नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश और आज मैं आया हूँ सूरजबारी माता जी के दर्शन के लिए। ये जो मंदिर है वो राजसमंद जिले के रेलमंगला तहसील में स्थित है, तो यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मंदिर के बाहर और सामने की साइड आप देख सकते हैं, यह है मंदिर का मुख्य द्वार है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर का अंदर का जो व्यू है वो आपको दिखाते हैं और माता जी के दर्शन करवाते हैं। बहुत ही बड़ा ये मुख्य द्वार बना हुआ है और मुख्य द्वार के जस्ट ऊपर की साइड आप देखेंगे कि दोनों तरफ माता जी, दोनों तरफ शेर की प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है और बीच में ही माता जी की प्रतिमा बनी हुई है। गेट से सीधा अंदर आने के बाद आप देखेंगे मंदिर का परिसर बहुत ही बड़ा बना हुआ है और यहाँ पे अगर आप व्हीकल लेके आ रहे हैं तो इजीली यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। अंदर आते ही माता जी के लिए आप नारियल प्रसाद लेके जा सकते हैं, जहाँ पे छोटी छोटी यहाँ पे लारी लगी हुई है नारियल प्रसाद लेके। और इस तरफ आप देखेंगे ये सराया बनी हुई है अलग अलग समाज की, जहाँ पर आप ठहर सकते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ग्राउंड बना हुआ है मंदिर का। सामने की साइड आप देख सकते हैं फिर से एक बड़ा गेट यहाँ पे बनाया गया हुआ है, इसी गेट से आपको ऊपर की तरफ जाना होता है माता जी के दर्शन के लिए। यहाँ से आप माता जी के लिए माला ले सकते हैं। अब हम चलते हैं मंदिर के ऊपर। दिन में आप किसी भी टाइम यहाँ पे आएंगे तो भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पे लगी रहती है, लोग आते रहते हैं दर्शन के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ बनी हुई है। अभी मैं पहुंच चुका हूं माता जी के मंदिर के यहां पे और ये है एंट्री गेट अंदर जाने के लिए। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ मंदिर के यहाँ पे, माता जी के मैंने दर्शन कर लिए हैं और ये जो मंदिर है वो राजसमंद जिले के रेलमंगला तहसील में स्थित है और यहाँ पे दिन में आप किसी भी टाइम आ सकते हैं दर्शन के लिए। सुबह जल्दी यहाँ पे आरती हो जाती है, बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे लोकल लकवाग्रस्त लोग आते हैं और ठीक होके जाते हैं। और ये जो मंदिर बना हुआ है पूरा पहाड़ी पे बना हुआ है
और यहाँ पे ऐसा भी कहते हैं कि माता जी की जो मूर्ति है वो यहाँ पे अपने आप प्रकट हुई थी। दोस्तों, सूरजबारी माता जी का ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर के ऊपर आने के बाद सामने आप माता जी के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद सामने की साइड ही यहाँ पे बहुत ही बड़ा परिसर बना हुआ है जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं। और सामने की साइड जो आप वो छत देख रहे हैं वहाँ पे आप पक्षी पक्षियों के लिए दाने डाल सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा परिसर यहाँ पर बना हुआ है। और सामने की साइड आप देखिए, ये पूरा पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं वो है मंदिर का मुख्य द्वार। और ये जो रास्ता आ रहा है ये आ रहा है सिद्धेश्वर खुर्द से, और इस तरफ से जो रास्ता आ रहा है वो आ रहा है राजपुरा से। और सामने की साइड जो आप वो माइंस देख रहे हैं वो है दरीबा माइंस से। और ये पूरा मंदिर बना हुआ है। और सामने की साइड आप देख सकते हैं वहाँ पर सराया बनी हुई है अलग अलग समाज की, और यह पूरा ग्राउंड बना हुआ है मंदिर के यहाँ।